हेलो गाइस, स्वागत आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिर मैं आज बनाने वाला हूँ एक 6-in-1 ब्लूटूथ स्पीकर। तो इसमें काफ़ी सारा फीचर मैंने ऐड किया है, तो वीडियो पूरा देखते रहना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैंने किस स्टेप से इसको बनाया और किस स्टेप से इसका तैयार किया, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारा फीचर है, पावर बैंक का है, इमरजेंसी लाइट का है, मेमोरी कार्ड आप इंस्टॉल कर सकते हो, ऑक्स ऑडियो ऑक्स और भी सारा कुछ इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं वीडियो का लास्ट में पूरा डिटेल्स बता दिया हूँ, तो वीडियो पूरा देखना वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मेकिंग की तरफ चलते हैं। सो गाइस, इसको हम चाहिए कुछ सामान, तो देख सकते हैं अभी मैं ले लिया हूँ कुछ स्टेप से, मैं यहाँ पे एक बॉक्स में एक डब्बा में ले लिया हूँ कुछ, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ सर्किट लिया हूँ, कुछ यहाँ पे प्लास्टिक का टुकड़ा लिया हूँ, ये वेस्टेज था सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे जो पीवीसी सीट देख रहे हो, ये वेस्टेज सीट है, तो इसको मैं ले रहा हूँ, ओल्ड सीट है। यहाँ पे स्पीकर लिया, एक सर्किट और पावर बैंक मॉड्यूल और यहाँ पे लिथियम आयरन बैटरी और एक स्विच ले रहा हूँ, ठीक है। और भी कुछ चाहिए थोड़ा बहुत तो यहाँ पे वीडियो पूरा देखते रहो। यहाँ पे देख सकते हो इसका साइज में यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो देख सकते हो आप कितना क्या इसका चौड़ाई या लंबाई है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, पीवीसी सीट में आप देख सकते हो पढ़ के। यहाँ पे हम इसको फेवरेट के द्वारा चिपका लेते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे मैं चिपका चुका हूँ एक साइड, यहाँ पे दूसरे साइड में चिपका चुका हूँ। यहाँ पे हम बैटरी और स्पीकर वो भी यहाँ पे चिपकाएंगे, तो इस चिपकाने से पहले यहाँ पे हमको स्पीकर के लिए मार्क करना होगा, तो इसलिए हम छोटा बॉक्स बना रहे, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पीकर के लिए भी मार्क कर लेते हैं कुछ स्टेप्स, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये मैं काफ़ी मतलब आप जो भी काम किए वो फिनिशिंग के साथ किए, यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो मैं ड्रिल मशीन से होल कर दिया। अगर आपके पास ड्रिल नहीं है तो आप किसी कील के द्वारा या सोल्डरिंग आयरन के द्वारा कर सकते हो ठोक ठक करके, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे हम इस स्टेप से यहाँ पे फेविकोल के द्वारा चिपका देंगे, ये फेविकोल के द्वारा यहाँ पे आसानी से चिपक जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं फेविकोल डाल दिया हूँ, अच्छे से डाल दिया हूँ, और ये पूरा इस बॉक्स को बनाने में मुझे एक ही फेविकोल से हो गया। अगर आप ज़्यादा मजबूत करोगे तो दो लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से चिपका दिया हूँ बैटरी को भी, और यहाँ पे हम इस सीट को भी चिपका देते हैं यहाँ पे इस साइड से, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारा मेरे फीचर ऐड किया, यहाँ पे एक स्विच का लिए जगह बना दिया, यहाँ पे एक पावर बैंक मॉड्यूल के लिए यहाँ पे जगह बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्विच को इस स्टेप से यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ, और पावर बैंक मॉड्यूल को भी मैं फिक्स कर लूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आएगी आपको पावर बैंक मॉड्यूल फिक्स करने, ठीक है। अगर लिथियम आयरन बैटरी यूज़ करें, यहाँ पे हम पावर बैंक मॉड्यूल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सेफली चार्ज हो जाएगा। वैसे भी हमारा जो मॉड्यूल यूज़ करें ऑडियो मॉड्यूल, उसमें चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो वहाँ से भी, और यहाँ पावर बैंक मॉड्यूल से भी आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना हुआ है कुछ, यहाँ पे पीछे के साइड में यहाँ पे इसका टांग जो है वो काफ़ी बड़ा बड़ा निकल रहा है, तो इसको यहाँ पे हमको कट कर देना होगा टांग को। यहाँ पे देख सकते हो मैं इस सीट में कुछ स्टेप्स होल कर दिया हूँ ताकि यहाँ पे आवाज़ बाहर आ सके, यहाँ पे हमारा बेस पैदा हो सके, ठीक है। इसको देर लगा रहा हूँ बेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ये बेस इंक्रीज करेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट लगा दे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब बेस कम मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से फेविकोल के द्वारा यहाँ पे चिपका दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी हम फेविकोल के द्वारा चिपका देंगे इस पूरे प्लास्टिक को, ठीक है। तो मैं अच्छे से फेविकोल डाल देता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप ये बनाते हो तो यहाँ पे आपको दो फेविकोल की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं चिपका दिया हूँ, और यहाँ पे एक मैंने ड्रिल से होल कर दिया, यहाँ पे दिखाया नहीं, ठीक है, होल कर दिया हूँ ताकि यहाँ पे हम सारा वायरिंग निकल सके इसके साइड से। सो गाइस, देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमारा रेडी हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो मैं कनेक्शन कर लिया, कनेक्शन बिल्कुल भी सिंपल है, ठीक है। दो बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव लिया, और यहाँ पे पावर बैंक सर्किट के यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया हूँ, देख सकते हो आप, रेड वाला पॉजिटिव और वाइट वाला नेगेटिव यहाँ पे दो रख दिया हूँ, यहाँ पे हम ऑडियो सर्किट में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम स्पीकर के वायर कनेक्ट कर देते हैं कुछ स्टेप्स है। सो गाइस, स्पीकर के वायर कनेक्ट कर चुके हैं, यहाँ पे मैं कुछ स्टेप से बैंड किया हूँ थोड़ा, उसके बाद ये सीट लिया हूँ, यहाँ पे हम इसको स्टेप से फेविकोल के द्वारा चिपका देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे चिपका दिया हूँ। और एक मैं यहाँ पे छोटा सा सीट ले रहा हूँ टुकड़ा, यहाँ पे हम LED लगाएंगे, यहाँ पे एक LED में यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको जगह कम चाहिए, ठीक है। और
कम जगह से वो हो जाएगी, मतलब एक एलईडी से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट करता है। सो गाइस यहाँ पे मैं फ्यूज के द्वारा यहाँ पे चिपका दिया और यहाँ पे मैं कनेक्शन कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैं कनेक्शन कर चुका हूँ, जो पतला वाला कॉपर वायर है उससे मैं कनेक्शन किया हूँ ताकि ज़्यादा वायर ना हो मोटा और यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत भी ना आए। यहाँ पे इसका कवर भी रहता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको कनेक्शन कर दिया हूँ कुछ स्टेप्स स्विच के साथ, मैं स्विच को ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। आई होप कि आपको वायरिंग समझ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्विच ऑन किया, देख सकते हो अच्छे से जल रहा है। आई होप कि आपको वायरिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, अभी हम रेडी कर लिए। यहाँ पे सर्किट में कनेक्शन कर दिया, सर्किट का कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। दो हमने स्पीकर की वायर कनेक्ट किया और दो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो सिंपल है और यहाँ पे मैं कनेक्शन कर दिया हूँ और यहाँ पे सर्किट के कुछ स्टेप्स फिक्स कर दिया हूँ। यहाँ पे इसका ऊपर का कैप है, यहाँ पे मैं जो ओल्ड स्पीकर होता है उसका मैं ये सर्किट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये सर्किट नहीं है तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, दूसरा सर्किट मिलता है और छोटा वाला। सो गाइस इसको हम यहाँ पे अच्छे से फ्यूज के द्वारा नट बोल्ट के द्वारा टाइट कर देते हैं और यहाँ पे इसका जो कैप है उसको भी यहाँ पे हम फ्यूज के द्वारा चिपका देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अभी फ्यूज के द्वारा अच्छे से चिपकना, मतलब चिपकाना, वरना ये टूट जाएगा और टूट गया तो काम ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैं चार्जिंग ला के चेक कर रहा हूँ, देख सकते हो चार्ज हो रहा है। यहाँ पे पावर बैंक सर्किट में भी चार्ज हो रहा है, जब ये बिलिंग करना बंद हो जाएगा पावर बैंक का जो सर्किट है वो, तो उस टाइम आप समझ लेना चार्ज फुल हो चुका है। वहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, वहाँ पे बैटरी को सेफली चार्ज कर देता है। यहाँ पे मैं सैंड पेपर के द्वारा क्लीन कर देता हूँ इसको, थोड़ा जो रफ है उसको मैं पूरा घिस के ब्लेंड कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम ब्लेंड कर चुके हैं रफ को और यहाँ पे अभी हम बारी है टेस्टिंग करने की। टेस्टिंग आपको थोड़ी देर बाद में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये ऑन हो रहा है, काफ़ी अच्छे से ऑन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो बल्ब भी इंडिकेट कर रहा है और इसमें मैंने फीचर काफ़ी 6 फीचर ऐड हो गया है। तो यहाँ पे मैं साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। सो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना। यहाँ पे आप मेमोरी भी यूज़ कर सकते हो, पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो और वॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा देख लाइक।